यहाँ इधर से आएगा। सामने कैसे गया अगर ट्रक में लेके जाना तो वहीं से ट्रक सारा पैसेंजर तो सर यहीं से हटे लोग यहाँ आना ही है तो यहीं से गाड़ी यहीं से स्लीपर लगा दिए देखते वो बंदा गेट की ब्रॉड गेज करेंगे वहाँ पर भी गेट के स्लीपर लगे तो अभी ढाका तक गाड़ी मीटर गेज ये मीटर गेज है बांग्लादेश की मीटर गेज बांग्लादेश से आएंगे वो मीटर गेज उधर बंगला देख ये हाँ बाहर लैंडपोर्ट छोटी संख्या होते ना सर उन्हीं का सर लेआउट फॉलो किया जिसमें कि पुलिस के रूम डॉक्टर का रूम क्वारंटाइन रूम बैग गुड बजाती है इसका पासवर्ड पे रखनी है उनको नो कॉल के रखना डिटेंशन करना सकती है सर पैसेंजर आएंगे सर वो प्रक्रिया जारी रहेंगी जितने भी कैपिटल है नॉर्थ के जितने भी कैपिटल है उनको सबको दिल्ली कैपिटल को देश के कैपिटल को कनेक्ट करने का काम मोदी जी के सरकार ने 2014 के बाद लिया है और लगभग 60% काम पूरा हो चुका है और बाकी 40% काम 2023-24 तक हम पूरा कर सकें। आज मैं त्रिपुरा के दौरे में हूँ अगरतला से किशन जो रेलवे स्टेशन है उस स्टेशन को मैंने विजिट किया और उसके बाद भारत बांग्लादेश के बॉर्डर पर मैं गया वहाँ पर जाने के बाद बॉर्डर पे खड़े बांग्लादेश के जो सिपाही थे उनसे भी मिला और अपने इंडिया के जो सिपाही थे उनसे भी मिला मैंने बांग्लादेश के सिपाहियों से पूछा बॉर्डर का जो वातावरण है या तो बांग्लादेश से इंडिया के जो रिश्ते हैं कैसे हैं उन्होंने बहुत समाधान व्यक्त किया कि बांग्लादेश से इंडिया के रिश्ते बहुत ही अच्छे हैं और इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी और हमारी प्रधानमंत्री ये आपस में अच्छे मित्र हैं और दोनों देशों के हितों के बारे में वो आपस में बैठ के चर्चा करते हैं उनके बातों पे से लग रहा था कि हमारे दोनों देशों के बीच में कोई विवाद नहीं है ऐसा लग रहा है अभी ये जो रास्ता है जो मैं देखने आया ये दिसंबर तक मुझे ऐसा लगता है कि पूरा हो जाएगा अगर दिसंबर तक ये पूरा हुआ तो बांग्लादेश और इंडिया का जो आना जाना है ट्रेन से वो बड़ा सुविधाजनक होगा क्योंकि उधर से आने वाले जो फ्रेट हम लोगों को मिलेगा वो और पैसेंजर की आने जाने की बहुत ही अच्छी सुविधा होगी मैंने जो काम देखा बहुत ही अच्छा मुझे लगा 22 घंटे 11 किलोमीटर 22 घंटे और कलकत्ता को जाने के लिए
जो हमें समय लगता है यहाँ से ये पूरी होने के बाद 22 घंटे हमारे कलकत्ता जाने के लिए बचेंगे। ये बहुत ही अच्छा हमारे लिए होगा, खर्चा भी बचेगा और समय भी बचेगा। कितने घंटे लगेगा कलकत्ता पहुँचने का? 22 घंटे बचेंगे। 38 घंटे, 16 घंटे हो गए। 38 घंटे लगते थे हमको पहले, अब 16 घंटे में ये लाइन से हम जाएंगे। मतलब हमारे देश के लिए बहुत ही एक अच्छा प्रकल्प है और मोदी जी ने पूर्वोत्तर राज्य में रेल का नेटवर्क बढ़ाने के लिए जो काम किया है उसमें से त्रिपुरा भी एक महत्वपूर्ण राज्य है। सर ये जो इंडिया के हद में, अच्छा सर ये पहले तो ये गुड्स ट्रेन का था तो अभी पैसेंजर ट्रेन भी आएगा क्या? ये गुड्स ट्रेन का जो है उसको जो ये है ब्रॉडगेज है वहाँ से गुड़ ही आएंगे और जो सिंगल मीटर गेज है वहाँ पर पैसेंजर आ सकते हैं। सर दूसरी एक बात है, कल मैं यहाँ के मुख्यमंत्री जी से भी रात को जाके मिला और उन्होंने डबलिंग के बारे में भी मुझसे चर्चा की और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ के लिए डबलिंग करना बहुत जरूरी लगा है। मुझे भी उनकी बातों पे से लगा और मैं रेलवे बोर्ड के सामने ये प्रस्ताव रखने वाला हूँ और यहाँ का सर्वे बहुत ही जल्दी हम करने वाले हैं, डबलिंग का सर्वे। सब्सक्राइब टू त्रिपुरा इन्फो एंड प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट यू नेवर मिस एनी लेटेस्ट अपडेट्स एंड न्यूज़ ऑन त्रिपुरा।